अब हम होल क्यूब के दोनों फार्मूलों को ऑपरेट करना सीखेंगे। ये लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अगर हमें इस तरह की वैल्यूज़ दी गई हों 3a प्लस 2b की पावर होल क्यूब कि इसको हल कीजिए। एक तरीका तो ये है कि इसको हम ब्रैकेट को तीन बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये है कि हम इस पर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूले में a प्लस बी है जबकि हमारे पास 3a प्लस 2b है। इसका मतलब ये है कि जो a है वो दरअसल 3a है और जो b है उसकी वैल्यू 2b है। इसलिए जहाँ जहाँ फार्मूले में a आएगा वहाँ हम 3a रखेंगे और जहाँ फार्मूले में b आएगा वहाँ हम 2b रखेंगे। आइए पहले वैल्यू पुट करते हैं। पहले लिखा हुआ है a की पावर क्यूब, तो हमें a की जगह लिखना है 3a की पावर क्यूब। फार्मूले को देखते हुए चलना है, फार्मूले को फॉलो करना है। प्लस प्लस 3 3, उसके बाद a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3a और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b हमारा 2b है तो b की जगह हमने लिखा 2b। फिर आगे फार्मूले में प्लस प्लस 3 3 a, a की जगह पर हम लिखेंगे 3a ब्रैकेट बंद और b की जगह पर हम लिखेंगे 2b और हम देख रहे हैं कि यहाँ b की पावर स्क्वायर भी है। प्लस प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे b की पावर क्यूब। तो ये तो एप्लीकेशन हो गई कि हमने फार्मूले में a की जगह 3a और b की जगह 2b रख लिया। अगले स्टेप में हम इसकी सिर्फ पावर्स हल करेंगे। ये पावर है इसको हल करेंगे। आगे यहाँ देखें, हमने पावर नहीं डाली। ये वाली पावर है इसको हल करेंगे, ये वाली पावर है इसको हल करेंगे, ये वाली पावर है इसको हल करेंगे, सिर्फ पावर्स हल होंगे। तो ये लिखा है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करें। 3 को जब आप 3 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर आ गया 27 और ये आ गया a की पावर क्यूब। प्लस एज इट इज़ 3 एज इट इज़, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ पावर्स हल कर रहे हैं। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 ज़ा 9, 9a² ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये 2b हमने ऐसे ही लिख दिया इसलिए कि हम इस मरहले पर सिर्फ पावर्स को हल कर रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2b का होल स्क्वायर। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और b का स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर। प्लस इसको भी खोल लें, ये हमने गलत लिखा है, ये b नहीं है बल्कि b की जगह क्या लिखना था, 2b लिखना था। तो इसको यहाँ से मिटा दें और इसकी जगह हम लिखते हैं 2b, b की जगह 2b। b 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8b की पावर क्यूब। अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। ये ऐसे आ गया 27 a की पावर क्यूब प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54 एज इट इज़ a² और 2b,
ए स्क्वायर और ये बी, दोनों क्योंकि मुख्तलिफ हैं इसलिए इनको हमने एक साथ उतार लिया, ए स्क्वायर बी। प्लस का साइन, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स। और ये ए और ये बी स्क्वायर ये एक साथ उतार लिए, ए बी स्क्वायर प्लस प्लस एट बी की पावर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। यानी थ्री ए प्लस टू बी का होल क्यूब पर आपने होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम एक और सवाल हल करेंगे माइनस के फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। एक एग्जांपल पर गौर करते हैं, हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए वैल्यू है 4x माइनस का 5y की पावर होल क्यूब, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे लिए जो a है वो दरअसल 4x है और हमारे लिए जो b है, b की वैल्यू 5y है। लिहाजा इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ हम 4x लिखेंगे और जहाँ b आएगा वहाँ पर हम 5y लिखेंगे। चलें लिखते हैं, a की जगह पर 4x की पावर क्यूब। हम इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, माइनस माइनस थ्री थ्री ए, ए की जगह पर 4x, यहाँ स्क्वायर है हम भी स्क्वायर डाल रहे हैं। उसके बाद बी, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5y। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारी एक नज़र फार्मूले पर रहनी चाहिए और फार्मूले को फॉलो करते हुए हमें हर वैल्यू को पुट करना है। मैं यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये है प्लस प्लस, उसके बाद है थ्री थ्री, फिर ए, ए की जगह पर हम लिखेंगे 4x, उसके बाद बी, बी की जगह पर हम लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस और बी की जगह पर हम लिखेंगे 5y की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली। अगले स्टेप में हम सिर्फ पावर्स हल करेंगे। 4 की पावर 3 का मतलब 4, 4 ज़ा 16, 16, 4 ज़ा 64। तीन मरतबा हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है तो 64 x की पावर क्यूब, माइनस एज इट इज़ 3 एज इट इज़, 4 की पावर 2 का मतलब 4, 4 ज़ा 16, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। उसके बाद 5y, प्लस का साइन एज इट इज़ 3 एज इट इज़ 4x एज इट इज़। इसको सब ऐसे इसलिए उतरे हैं कि हम सिर्फ इस वक्त पावर्स को हल कर रहे हैं। 5 की पावर स्क्वायर का मतलब 5, 5 ज़ा 25, y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। माइनस 5 की पावर क्यूब, 5, 5 ज़ा 25 और 25, 5 ज़ा 125, y की पावर क्यूब। जी, इस स्टेप में हमने पावर्स हल कर ली। अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 16 से और 5 से, तो इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। जी, पहले हम 64 एक्स क्यूब एज इट इज़ लिख लें। अब हमें इसको मल्टीप्लाई 3 को 16 से और जो जवाब आए उसको 5 से, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से, फिर उसको
मज़ीद मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमारे पास जवाब आ गया 240। लिखा माइनस का 240 और एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़ प्लस प्लस, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 और 12 को 25 से, तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा 12 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, ये जवाब आ गया 300। और x और y स्क्वायर एज इट इज माइनस का 125 y क्यूब एज इट इज। तो इस तरह से माइनस का फार्मूला ऑपरेट होता है और प्लस का फार्मूला ऑपरेट होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए हम उसको इस तरह खोलते हैं इस फार्मूले के तहत, और a माइनस बी की सिचुएशन अगर आ जाए तो हम इसको इस फार्मूले के ज़रिए खोल रहे होते हैं।